और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें पावरलूम फेडरेशन के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद भी उन्हें लोकसभा सांसद बनाए जाने पर कांग्रेस नेता लव जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि बुरहानपुर पहुंचे अरुण यादव ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी उनकी जांच नहीं हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने भी कहा है कि सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट मनोज अग्रवाल का कहना है कि समितियों के विकास में हमने लगने वाले फंड 2 करोड़ का घोटाला किया, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश पावर लून फेडरेशन के पद से भी हटाया गया। अब बावजूद चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। फेडरेशन अध्यक्ष, ये तो सबूत है, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का कागज है, तो उसके बाद भी कोई मान नहीं रहा है तो वो तो वही कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो सत्ता है, सत्ता के आगे शांत कर लीजिए। ज्ञानेश्वर पाटिल जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है, मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी प्रकार भ्रष्टाचार। लोकसभा से वर्तमान में सांसद श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल हैं और इनके ये ऑलरेडी इनके ऊपर 2 करोड़ के डिफॉल्टर रहे हैं और ये चीज़ तो वो है जो साबित हो चुकी है और इसी कारण इनको पद से हटा दिया गया था। ये इन्हें अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बैंक का लेना देना है और 2 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर रहे हैं, व्यक्तिगत इनके खाते के भी और इनकी फर्म के खाते के भी, उसके बावजूद ये अध्यक्ष पद बने जानते हुए और इसी वजह से उनको बाकायदा सहकारिता आयुक्त ने पद से हटाने का आदेश कर दिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।